तो आज हम लोग देखने वाले हैं द बॉयज की मीम्स। तो आप लोग अपने अपने हेडफोन्स को कानों पे लगा लें ताकि इधर उधर से जूते चपले ना पड़े। इमोशनल डैमेज। और अगर चाहते हो कि इसी तरीके की और सीरीज द बॉयज की आती रहे, कमेंट में बताया करो, तभी तो मुझे पता लगेगा, नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। सही बात है। बाकी आप लोग भी देखते तो हो गई, अगर आप लोगों के पास भी कुछ भी अच्छा आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें शेयर कर दिया करो, तो उसकी भी एक वीडियो बना देंगे और साथ में बंदे का नाम भी दे दिया करेंगे कि इस बंदे ने शाउट आउट दे देंगे। अगर ऐसा सब लोग करेंगे तब बात बनेगी, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी ना। चलो देखते हैं। रिमेम्बर व्हेन मोदी जी सेड न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो मैं तुमको एक बहुत बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ। हमारे लड़के लोग जो भी है यार, आजकल लड़कियां भी है, ये लोग है ना, मतलब आजकल गाली देते हैं ना तो भी मतलब व्याकरण के भाषा में गाली देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनकी गाली देखो ऐसे तीन से चार शब्द की रहती है। पहला होता है प्रोनाउन तेरी, पहला होता है प्रोनाउन तेरी, फिर यहाँ पर एक आता है नाउन। नाउन में कोई तो रिश्ता रहेगा, भाई बहन माँ पिता कुछ तो रहेगा। फिर यहाँ पर एक कारक आ जाता है, ओके। फिर यहाँ पर या उसकी या उसकी या बहन की रहेगा, और ये भी नाउन होता है, बॉडी पार्ट रहेगा। तो भाई गाली भी दे रहे हैं ना तो एकदम ग्रामेटिकल भाषा में दे रहे हैं, तेरे भाई की, तेरे माँ की, और फिर एक बॉडी गाली वाला कंफर्म। तुम्हारा कंटेंट दिन पे दिन खराब हो रहा है कि रोज रोज वही चल रहा है, गाली वगैरह? बाकी तो पहले तो काफी इंटरेस्टिंग था, कुछ दिनों से काफी बोरिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो तेरी बहन को नचवाना ही। Oh my god! अच्छा भैया सुनो, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ तो ये सारे भुट्टे मुझे दे दोगे? नहीं दोगे? बेइज्जती। ये भुट्टे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझसे? फिर बेइज्जती। हाय अंदर अंदर से टूटा। कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। अजी सुनते हो? कहाँ हो आप? तो तैयार हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं। चलिए मुझे बताइए। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चलिए साहब, मैं सोच रही हूँ ना, मैं ये वाला पहन लूँ। तो पहन लो। लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है। तो मत पहनो। तो ये वाला पहन लूँ? ये वाला पहन लो। इसे 2-3 शादियों में पहन चुकी हूँ। तो इसे भी मत पहनो। और ये वाला, ये कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। पहन लो। लेकिन ये ज्यादा हैवी हो जाएगा। और इधर आओ, एक बात बोलूं, आप वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा चेहरा इधर करो। यही होएगा। हाँ, मैं मोटी हूँ पर अकली हूँ, ये किसने कहा? मैंने मैंने कहा। तो आप इस बात को मानते हैं कि महबूब और अमरूद से परहेज करना चाहिए क्योंकि दोनों में कीड़ा होता है? इतनी मजेदार बात है ना, कीड़ा खुद मेरे से सवाल कर रहा है। ये क्या था? तुम्हें तो बच्चे पसंद है ना? हाँ, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सो जाओ, सोने से बच्चे नहीं होते, जाकर कुछ करने से होते। अच्छा ठीक है। किया था 1 महीने पहले, एक बार में हो जाएगा? हाँ, मर्द का बच्चा हूँ, एक बार ही काफी है। चोई 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 चोई, हमें शाशुड़ी क्या था को? शाशुड़ी
शादी के बाद सोसाइटी में हमारी जोड़ी बेस्ट जोड़ी मानी जाएगी कोयल। ओए पप्पू की गल कर रहे हैं यार, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे बेस्ट जोड़ी रोशन और रोशन की है। हाँ सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। नहीं नहीं है, बिल्कुल अमन है। हाँ बोलिए ना, सबसे बेस्ट जोड़ी हमारी है। मेरी माँ कहती है कि सबसे अच्छी जोड़ी हमारी है, राधा और कृष्ण की जोड़ी। नहीं सबसे बेस्ट जोड़ी तो भैया भाई अब वो बोल ऐसे इलाज को मारने की क्या पूछा करूँ। हुआ क्या ये तो बताओ। अरे बड़ी मुश्किल से तो कर्जा लेकर के एडमिशन करवाया इसका कोचिंग में। अच्छा, और कोचिंग में छुट्टी मारने के बहाने से इसने बोल दिया कि हमारे दादाजी खत्म हो गए। ये तो बहुत गलत बात है। और जब मैंने घर पे पूछा कि आज कोचिंग क्यों नहीं गए, कह रहा छुट्टी है, मास्टर जी के पिताजी खत्म हो गए। चलो कोई नहीं, ऐसी उम्र में बच्चे छोटी मोटी गलती करते रहते हैं। बाकी इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, आगे तक लेके जाओ। अरे नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा इसको। क्ययों? ये बिना पढ़े लिखे तो इतना दिमाग लगा रहा है। हाँ। पढ़ लिख लेगा तो देश संकट में ला देगा। सर मेरा यूट्यूब चैनल है मिस प्रिया नाम से, आप प्रमोशन कर दो। मैं कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मैंने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी थी यही की। बहुत सही जवाब दिया था उसने। मर मैं और मेरे को भी ऐसे बाई चांस रील में आ गई थी और उस पर म्यूजिक लगा हुआ था, वो वाला फिग्मा मेल वाला। मैंने कहा भाई ने क्या बात बोल दिया। आज की जो आवाम है ना प्रोड्यूसर साहब, समझदार हो गई है। एक बंदा स्कूटर पर जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए हेलमेट का है, वो क्या कर रहा है, लेने भी ना जाऊं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बीवी सबको दे दे। हमें तो दे रही है। ये वही होगी कुर्सी। हाँ क्या लग रही है भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? तेरे मुंह में चाय फेंक के मारूंगा, मुंह में चाय में मलाई आ गई तो मेरे को बहुत ज्यादा गेल आती है इस चाय की मलाई से। यहाँ अपने नाम के ऊपर लिखा है राकेश रोडिस का बाप, इसका क्या मतलब, क्यों लिखा है? मैंने अपने बेटे का नाम रखा है इसलिए रोडिस का बाप। आपके दो बेटे? हाँ। दूसरे का नाम क्या? रघुराम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शोबिज में सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिंग के अलावा कौन सा टैलेंट होना चाहिए इंसान में? प्यारी समझ गई। जो जो टैलेंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं वो मेरे में नहीं। वो टीवी पे नहीं आ रहे, वो टीवी पे नहीं आ रहे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बताऊं आपको, लास्ट में कोई दुनियादारी काम नहीं आती, लास्ट में सिर्फ बंदा अकेला रह जाता है। मुझे समझ। हेलो भाई। ओए भाई जहर होगा? भाई जहर नहीं रखता मैं। अबे भाई जो जो पूछ रहा हूँ वो बता, जहर होगा? डिप्रेशन में हो क्या? हाँ भाई जहर नहीं रखता मैं। तो क्या रखते हो? मेंटल हेल्थ की दवाई है मेरे पास। मेंटल हेल्थ की दवाई कौन सी है? येलो सिगरेट। ये बढ़िया था। इसी के बाप से मिलते। अच्छा अभी बचा दे भाई, अभी बचा दे। आजा साइड में आजा, बन गई हवाबाजी। हो गई हो गई हवाबाजी हो गई। तो यहीं पे होती है सारी क्लिप्स खत्म। हाय हाय। तुम लोगों को कौन सी क्लिप बेस्ट लगी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम लोग अपने चैनल पे बहुत तरीके का कंटेंट लेके आते रहते हैं, शॉर्ट भी बनाते हैं और एनिमे सीरीज वगैरह देखते हैं और बहुत तरीके की वीडियोस बनाते हैं। तो एक बार जाके देखो, लाइक वाइक कर देना। अगर अभी तक नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह का कंटेंट और ज्यादा देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे कोई क्लिप है तो वो भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं तुमसे ऐसी ही खतरनाक डार्क डेंजरस मीम्स में। तब तक के लिए पीस आउट।